हाय, अगर तुम लॉ जैसे सब्जेक्ट में पास होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप नहीं सुनना चाहते हो तो ये वीडियो स्किप कर देना। हमने कुछ कुछ चेक्ड पेपर्स के स्पेसिमेंस देखे हैं एंड वेरेवर आप सेक्शन नंबर्स नहीं लिख रहे हो बट एवरीथिंग इज राइट, इन स्पाइट ऑफ दैट आपके मार्क्स कम होंगे। कुछ कुछ चेक्ड पेपर्स के अनुसार सेक्शन नंबर्स लिखना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तो मैं पहले पता था। इसमें न्यूज क्या है? वेल, सेक्शंस ना लिखने की वजह से आपके मार्क्स डेफिनेटली रिड्यूस हो सकते हैं। गलत सेक्शन लिखने के वजह से तो होंगे ही, बट सेक्शंस ना लिखना भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। वेल, इसका ये मतलब नहीं है कि जहां आपको सेक्शन नंबर नहीं पता वहां आप गलत नंबर्स लिखो, बट एवरीवेयर जहां आप सेक्शंस को एग्जैक्टली नंबरिंग दे पाओ वहां पर डेफिनेटली देना। और मान लो अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में पूरा आंसर नहीं पता बट उसका कोई रेलेवेंट सेक्शन पता है और सही सेक्शन नंबर पता है तो शायद उससे आपको एक या दो मार्क यहां वहां मिल जाए। और 39 और 40 में एक ही मार्क का फर्क होता है, इन एक एक नंबर्स के वजह से शायद हम पास हो जाएंगे। तो इंश्योर करो कि तुम्हारी प्रिपरेशन में सेक्शन नंबर्स मस्ट हो। वन प्रो टिप, सेक्शन नंबर्स की एक लिस्ट बना दो, एक टेबल समरी बना दो और इसे रोज रात को रिवाइज करो। मैंने मेरे अटेम्प्ट्स में इसको रोज रिवाइज करके सेक्शन नंबर्स को काफी अच्छी तरीके से याद कर लिया था। ऐसी और अमेजिंग टिप्स आने वाली है, अगर आप किसी को जानते हो जिसे इस टिप से फायदा होगा तो डेफिनेटली शेयर करना। वेल, यू नो द ड्रिल, फॉर मोर सच टिप्स एंड अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड मी